हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग क्यू बेसिक में रिवर्स नंबर किस तरह से डिस्प्ले कराते हैं वो देखते हैं। हम लोग पहले यहाँ पर सीएलएस टाइप करते हैं, उसके बाद प्रिंट प्रिंट, उसके बाद अब हम एक नंबर ले लेते हैं। नंबर को हम इनपुट में भी ले सकते हैं। अगर इनपुट में लेंगे तो बार बार रन कराएंगे, एक एक नंबर देंगे और हर बार रिवर्स आ जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसीलिए हम लोग एक काम करते हैं, इनपुट ऊपर में एक रिमार्क दे देते हैं, इससे भी यहाँ पर नेम रिवर्स नंबर। यहाँ पर हम लोग एस्ट्रिक दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ये नंबर बस हो गया। मतलब रिवर्स नंबर हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक और प्रिंट दे रहे हैं, बस ठीक है। अब यहाँ पर नंबर लेते हैं, इनपुट इनपुट से लेंगे तो रन जब कराएंगे अपने मन से एक नंबर देंगे, उसका रिवर्स निकालेगा। इनपुट नंबर पर इंटर द नंबर, या नंबर नहीं देके यहाँ पर इंटर द नंबर। इसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन देके एन। अब नंबर कुछ भी हो सकता है। अब एक रिवर्स का हम लोग वेरिएबल लेके उसको जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं। ये हो गया। अब प्रोसीड्योर रिवर्स का, इसलिए हम लोग रिवर्स एक लेबल लगा देते हैं, क्योंकि इफ देन देके हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। रिवर्स एक लेबल लगा दिए। अब यहाँ पर शुरू करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। डी इज इक्वल टू जो मेरा नंबर है, जैसे 1 2 3 नंबर है, तो उसको 10 से भाग देके जो रिमाइंडर बचेगा, तो हम लोग उसको इस तरह से लिखते हैं, इन मोड। मोड का मतलब है ये रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड्यूलस का एक फंक्शन है, इन मोड 10। और उसके बाद ये मेरा डिजिट आ गया, रिमाइंडर आ गया। मतलब 1 2 3 को अगर 10 से भाग देंगे, उसका अगर रिमाइंडर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, वो आ गया। आप क्वोशेंट निकालते हैं, क्यू इज इक्वल टू हो गया इंटीजर पार्ट ऑफ इसका, डिवाइड करेंगे एन को 10 से। एन को अगर 10 से भाग देंगे तो उसका क्या आएगा, ये मेरा हो गया इसके बाद रिवर्स निकालते हैं। रिवर्स इज इक्वल टू हो गया रिवर्स गुने 10, 10 जोड़ डी। अब यहां पर हमको एक काम करना है, यहां से क्यू जो निकला है, अब ये एन हो गया,
क्यू। अब यहां पर इफ कंडीशन देते हैं, इफ इन ग्रेटर देन जीरो, जीरो से अगर इनका वैल्यू बड़ा है, मतलब ये इन तो अभी क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन अगर जीरो से बड़ा है, मतलब कुछ नंबर जब है तभी ये रिवर्स में जाएगा, देन गो टू रिवर्स। और नहीं तो एल्स प्रिंट रिव, नहीं तो रिवर्स जो रिव इंटू 10+D दिए हैं उसको प्रिंट कर दे, और फिर यहाँ पर हम लोग एंड कर देते हैं। इसके बाद F5। अब इंटर द नंबर, नंबर पूछ रहा है, हम लोग अगर नंबर दे देते हैं 2 3 4 5, ये आ गया 5 4 3 2, ये सी। अब फिर F5 करते हैं, अब दूसरा नंबर दे देते हैं 1 2 4 6, इंटर करते हैं 6 4 2 1। इस तरह से हम लोग रिवर्स नंबर को प्रिंट कराते हैं। इसका लॉजिक ये है कि पहले हम लोग इसका डी मतलब रिमाइंडर निकाल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, अगर हम 10 से इसको भाग दे के रिमाइंडर निकालना चाहे, भाग देने पर हम देखते हैं 4 रिमाइंडर बचता है, और उसको फिर उसका क्वोशेंट निकालते हैं इंटीजर पार्ट, तो 1 2 3 4 था तो 1 2 3 बचता है, क्वोशेंट में 1 2 3 होता है। अब 1 2 3 हो गया मेरा एन, और रिवर्स हो गया, रिवर्स पहले 0 था, तो यहाँ पर हम इसको 0 × 10+D, मतलब ये डी जितना था मेरा 4, वो पहले 4 रिवर्स में 4 स्टोर हो गया। अब एन अगर 0 से बड़ा है, 1 2 3 तो 0 से बड़ा है, तो फिर रिवर्स में जाए, तो रिवर्स यहाँ से मेरा रिवर्स है, तो फिर हम डी इज इक्वल टू एन मॉट 10 करेंगे। एन मॉट 10 करने पर अब होगा 3, और क्वोशेंट जो है इसको अगर हम 1 2 3 से को 10 से भाग देंगे 1 2 बचेगा। अब एन 1 2 हो गया, और रिवर्स में रिवर्स इंटू 10, मतलब रिवर्स पहले मेरा था 4, 4 × 10 = 40 हो गया, 40 के साथ अब 3 जोड़ना है यानी 43 होगा। फिर हम देखेंगे कि एन क्या 0 से बड़ा है, अगर है तो हम फिर रिवर्स में चले जाएंगे, और रिवर्स में जाके फिर वही प्रोसीड्योर होता जाएगा, इस तरह से ये रिवर्स हो जाएगा। और अगर 0 से छोटा है तो ये सीधे रिवर्स प्रिंट करा देगा। थैंक यू।